मास्टर वर्सेस मास्टर करने वाले हम तीनों। इंट्रो बहुत लंबा हो जाता है, नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट यार भाई। रूल मैं 10 सेकंड में जल्दी से समझा देता हूँ। हमने सिर्फ मेन कैरेक्टर्स के ही मास्टर उठाए हैं, हम सिर्फ उसको तीन चीजों पे वो करेंगे फोकस, अटैक, दस स्पीड और डिफेंस। DAS 10। अच्छा, मेरे को लगा 10 सेकंड हो गए कि वो कह रहा अच्छा नहीं, मैं DAS कह रहा हूँ। है। तो चलो सबसे पहले मैं अपने बताता हूँ, मेरा है विस, विस और ब्लैकलिस्ट गोजो है है विस, मेरा। विस ब्लैकलिस्ट अलाउड क्यों नहीं है। पे? हाँ ब्लैकलिस्टेड है क्योंकि विस क्या आते सारे अरे एनिमे खत्म। अबे देख, बीस मैंने इसलिए लिया था, ठीक है मटा रहा हूँ यार, ठीक है खुश रहे, बट मैंने बीस इसलिए लिया था क्योंकि अटैक में वो बिल्कुल जीरो है, अटैक कर ही नहीं सकता वो। अटैक करेगा तो सीधा मर जाएगा वो, क्योंकि वो बीस का एक उनका वो होता है, लॉ होता है कि वो हमेशा डिफेंड करने हैं उनको अपने आप को, कभी अटैक नहीं कर सकते। भाई। ओ अच्छा बट चलो ठीक है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी, मैं बीरस उठा लेता हूँ, हाँ अरे वेजिटा शिट का टीचर। ए विसिले भाई, तू विसिले, तू विसिले ना वीरस मत ले भाई, वीरस प्लेनेट उड़ाता है भाई। चल अबे ठीक है वीरस तो फिर खा भी ले हारने ठीक वाला है, वीरस को तो छू ही नहीं पाएगा तो हराएगा कैसे। है वही तो भाई। वही तो राय दी, तू क्या दे रहा है? मेरा है यामामोटो गंजू साई। ओ भाई यामामोटो गंजू गंजेडी यामामोटो बुद्धा, गंजेडी बहुत बढ़िया। टीचर ऑफ अबे ब्रैकेट भी लग रोनोरुआ रहा जोरो, है। कौन है? मीहॉक। मेरा बोरूटो का टीचर सास्के अरे ले उचिहा, और दूसरा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा लेकिन जेनोस का टीचर साइतामा। तो गोजो वर्सेस मिहोक, गोजो मेरा है, मिहोक राजदीप भैया का है। चलो भाई चलो शुरू राजदीप भैया, करो। टिंग 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 कच्चे भी नहीं आ जाओ। टिंग। चलो ठीक है, देखो स्टार्टिंग विद पूरा अटैक। शोज में इतना कुछ प्रोमिनेंट है नहीं कि एक्चुअली में उसका फुल पोटेंशियल क्या है, बट मेरे हिसाब से एपिसोड भी आया मिहॉक। है। अबे भाई हाँ देख, शैंक्स अभी फिलहाल तू आराम से मान के चल सकता, एल्डर्स के बराबर तो होगा स्ट्रेंथ। हाँ और अपने प्राइम में मिहॉक और शैंक्स राइवल्स थे, और उसका एक सेकंड कॉन्कर एक सेकंड, सो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। हमने ये बोला नहीं कि हम एनिमे ओनली टाइप कर रहे हैं। ये एनिमे ओनली है भाई, बोला है व्हाइट बेर्ड ने, बोला था। अबे तेरे को नहीं किसने बोला था एनिमे? क्या तो किसको कह रहा है? अच्छा, सॉरी 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 बोला कि भाई ये बैटल सॉरी शुरू होने से पहले ये बता दे, ये बैटल है एनिमे ओनली, तो जो भी हम इन्फॉर्मेशन देंगे बैटल में यहाँ पे वो सारी की सारी एनिमे ओनली। मांगो ओनली कमेंट्स में लड़ देना। चलो भाई हाँ शुरू ठीक है, करो। चलो चलो वापस शुरू। हाँ तो भाई मैं कंटिन्यू, तो तो वाइट व्हाइट मेरे क्या बोल हिसाब रहा था। से अबे मेरे हिसाब से मीहॉक मतलब इक्वल है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ शैंक्स के बराबर, तो मतलब तू माने उसने सब। राइवल और का मेरे माना भी तो हिसाब, है शैंक्स को एनीमे हाँ में, वो कैसे मतलब वो स्ट्रेंथ पहले वाइज, राइवल्स थे वो। हाँ हाँ स्ट्रेंथ वाइज इक्वल है और शैंक्स में है एडवांस कॉन्कर हाकी, तो मेरे हिसाब से वो जोरो मीहॉक पे भी है, क्योंकि जोरो पे आ चुका है और बाद में जाके लड़ेगा मीहॉक के साथ, तो मेरे हिसाब से है उस पे। तो तू वो उस हिसाब से लगा सकता है उसका अटैक काफी स्ट्रॉन्ग। यूजुअली स्वॉर्ड्समैन जो है नेम्ड अटैक मारते हैं, बट सीरीज में वन पीस में अभी तक मीहॉक ने अपना नेम्ड अटैक नहीं मारा है भाई अभी तक ओ वो। हाँ ओ हाँ हाँ ये सही कह रहा है, उसने मजे मजे में हरमनशिप को आधा कर दिया था। तो गोजो की तरफ आते हैं अटैक में। रेड फेंकता है पुश मान लो एक तरीके से, ब्लू जो पुल करता है, और हॉलो पर्पल जो दोनों का मिक्सचर है, ब्लैक फ्लैश डोमेन एक्सपेंशन। अगला आते हैं डिफेंस में। डिफेंस में मिहोक के पास है ऑब्जर्वेशन आकी भाई, और ऑब्जर्वेशन आकी ये हिंट थोड़ा बहुत किया गया है कि शायद उसका वन पीस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन आकी हो अगर ओ बस काम है तो। तो कोजो के पास जो है वो है इन्फिनिटी, सीधी सी बात है इन्फिनिटी है, तो उसके आर पर कुछ जा ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस वो मांगा में आ जाता है, वो अलग बात है कि वो जो सकुना ने पेला था जिस हिसाब से हमने, और वो भी नहीं नहीं डिफेंस में हाँ इसके पास एक और है कि वो हीलिंग कर सकता है अनलिमिटेड। तो स्पीड स्पीड में आते हैं फिर, में मिहोक का इतना बताया नहीं है एनीमे में। गोजो का भी इतना नहीं बताया अगर सच बताऊं तो। गोजो का बस इतना है कि उसने दो तीन बार क्लैप करते दिखाया कि भाई हाँ क्लैप करता है और वो इंस्टेंटली कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है, ओ तो गोजो बस भी क्या मैक्सिमम क्लैप उतना का ही है उसका। हाँ कि वो क्लैप करता है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है, वो स्टार्टिंग में गोजो से सुकुना में भी हो रखा है, और जब उसने हॉलो पर्पल मारा था उस टाइम पे भी हो रखा है, मतलब बहुत टाइम हो रखा है ऐसे। सोच भाई सोच, वो जो एक लड़की का ऐस क्लैप करता और वो रैंडमली रास्ते में नंगा खड़ा हो गया और टेलीपोर्ट हो गया। भाई वो वाला क्लैप नहीं कोदो यार, कोदो स्पीड में ड्रॉ एनी मान सकते हो चीप्स तुम। हमारे पास। हाँ ठीक है, स्पीड में तुम ड्रॉ मान सकते हो इसी कारण से। गोजो का 5 है, गोजो का 5 डिफेंस होंगे। मिहोक का 3 दूंगा क्योंकि वही उस पर देखने का बहुत खतरनाक एबिलिटी, लेकिन उससे डिफेंड करने का उसको ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। और अटैक में अटैक में गोजो को 4 दूंगा मैं भी, और क्या कहते हैं मैं मिहोक को भी 4 दूंगा क्योंकि बंदा क्या कहते हैं पहले ही फ्यूचर देख के बंदा बहुत खतरनाक अटैक दे सकता है। टोटल में क्या कहते नाइन हैं सेवन गोजो का 9 आ रहा है और मिहोक का 7 आ रहा है, तो इस लड़ाई में तो गोजो जीत गया।